जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शेशकील आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं सर, आप सहाफ़ी हुआ करते थे, 13 साल आपने क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में राज की है। बड़े बड़े मतलब क्राइम होता था, उनको रोका, उनके ऊपर जाकर आपने रेड डाली हैं। अब आप मिस्त्री बन चुकी हैं, क्या हालात की वजह से आई हैं, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी, क्या मामला? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाफ़त है मैंने कोई 13-14 साल की है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दिल की लगन से की है। फहाशी के और क्राइम कैटर पर मैंने बहुत छापे मारे हैं, लेकिन छोड़ी इस वजह से है कि मेरे घर वालों को मुझे धमकियां दी जाती थी। लोग कहते थे बीमार देंगे अगर वीडियो को अपलोड करेंगे तो। सहाफ़ी तो होता डरता ही नहीं है, इस तरह के मामला ही नहीं होते, फिर भी आप कह रहे हैं कि जिस तरह फैमिली को थोड़ा डरना, किस तरह आपने मतलब सहाफ़त छोड़ दी? आप ही तो वो होता है जो किसी भी चीज़ से डरता नहीं, जो डरता नहीं है वही मरता है। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। सहाफत का मायना ये है कि लोगों को इंसाफ दिलाना, जो सच्ची बात है वो लोगों के सामने करना। तकरीबन आपने 13 साल में कितने प्रोग्राम्स और किस कहाँ कहाँ जगह पर आपने रेड डाली? बहुत बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, अभी याद नहीं थे। बच्चे क्या कहते हैं कि पापा आपने अच्छा किया है बुरा किया? बच्चे यही कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है, ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप सर क्या नाम? मेरा नाम शेशकील अहमद है। शेशकील अहमद सर, आप सहाफ़ी हुआ करते थे, 13 साल आपने क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में राज की है। लाहौर में बड़े बड़े आपने जो क्राइम की दुनिया के जो बड़े बड़े मतलब क्राइम होता था उनको रोका, उनके ऊपर जाकर आपने रेड डाली हैं। अब आप मिस्त्री बन चुकी हैं, क्या हालात की वजह से आई हैं, क्या वजह थी, क्या मजबूरी थी, क्या मामला? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जो सहाफ़त है मैंने कोई 13-14 साल की है, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह दिल की लगन से की है। और फहाशी के और क्राइम कैटर पर मैंने बहुत छापे मारे हैं, लेकिन छोड़ी इस वजह से है कि मेरे घर वालों को मुझे धमकियां दी जाती थी। हाँ, ज़ाहरी बात है कि किसी फहाशी के अड्डे पर आप अगर आप छापा मारेंगे या किसी मनशात के अड्डे पर छापा मारेंगे तो ज़ाहरी बात है लोगों को दिखाएंगे तो वो यही लोग कहते थे बीमार देंगे अगर वीडियो को अपलोड करेंगे तो। सहाफ़ी तो होता डरता ही नहीं है, इस तरह के मामला ही नहीं होते, फिर भी आप कह रहे हैं कि जिस तरह फैमिली को थोड़ा डरना, किस तरह आपने मतलब सहाफ़त छोड़ दी? सहाफ़ी तो वो होता है जो किसी भी चीज़ से डरता नहीं, जो डरता नहीं है वही मरता है। बच्चों के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। अगर आपकी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसी तरह अगर मैं अकेला होता तो खुदा की कसम कभी ना डरता। कितने बच्चे हैं? 5 बेटियां हैं माशाल्लाह। बेटा कोई नहीं? नहीं बेटा नहीं है, अगर बेटा होता तो फिर मैं कभी ना छोड़ता सहाफत। उसकी वजह क्या थी कि बेटा होने की कि आपने? के बाद भी वो काम यही करे, सहाफत का ही करे इंशाल्लाह ताला। बात ये है कि सहाफी जो है ना ये नहीं है पैसा कमाना। सहाफत का मायना ये है कि लोगों को इंसाफ दिलाना, जो सच्ची बात है वो लोगों के सामने करना। तकरीबन आपने 13 साल में कितने प्रोग्राम्स और किस कहाँ कहाँ जगह पर आपने रेड डाली? बहुत बेशुमार प्रोग्राम किए हैं, अभी याद नहीं। बहुत जगह पर मैंने बहुत ज़्यादा लाहौर पर मैंने के जो है प्रोग्राम किए हैं, तो साहिवाल तक, बोकाड़े तक, बहुत दूर तक इस्लामाबाद तक गया हूँ। क्राइम की दुनिया? क्राइम की दुनिया मुझे शौक होता था, सिर्फ क्राइम ही करना। तो कोई इस तरह का सीन या कोई वाकया याद हो जहाँ पर आपने रेड डाली और एक अनोखा एक दास्तान आपके साथ है, या कोई वाकया रून में हो? हाँ, ऐसा 2-3 मरतबा हुआ है, एक दफ़ा नहीं हुआ। तो एक दफ़ा तो बहुत ऐसा ही हुआ कि मेरे घर में आ गए थे, मैं रात को प्रोग्राम करके आया हूँ, सुबह जो है मेरे घर पहुँच गए वो लोग। अगर भाई आप वीडियो अपलोड करेंगे अगर हम आपको मार देंगे आपके घर वालों को। बहुत परेशान किया, मैं तो चाहता था जो वीडियो बना देता था, प्रोग्राम कर लेता था, वो अपलोड करता था। अल्हम्दुलिल्लाह ऑफरें भी आती थी, हाँ भाई पैसे इतने ले लें यार, मेहरबानी करें। पैसे ले लेते शायद ज़िंदगी बच्चों की बच जाए, आप भी मतलब सेफ हो जाए और काम भी जारी। नहीं ऐसी नहीं बात है कि पैसे ले लेता, खुदा को क्या मुंह दिखाता, खुदा को क्या हिसाब देता, कब्र में क्या हिसाब देता, मेरे बच्चे क्या हराम का खाएंगे, ऐसा नहीं, मजदूरी कर रहा हूँ ना। कितना कमा लेते जब सहाफत कर देते? मैं एक माह में जो है 1-1.25 लाख में इतना कमा लेता। अब कितना कमा लेते हैं मजदूरी? अब जो है 30-40 इतना कमाया जाता है। लाख कहाँ, 1.5 लाख कहाँ और 30,000 कहाँ? ये ऐसे ही ना जैसे आपके हाथ में माइक है, मेरे हाथ में ये कंडी है, इतना ही फर्क है। माइक होता था तो तब किस तरह की फीलिंग्स थी आपके? तो ज़ाहरी बात है कि प्रोग्राम करना, एक अच्छे कपड़ों में रहना, अच्छा खाना, तो मैं तो यही खाता था। बल्कि किसी से मैं
क्राइम का अगर मैं ज़ाहरी बात है प्रोग्राम करता तो उन लोगों ने तो नहीं मुझे खाना देना, मैंने अपनी जेब से ही खाना है। तो अब भी मैं अपनी जेब से ही खा रहा हूँ। बहुत ऑफरें आती हैं भाई, आए खाना खिलाते हैं, आए बात करें, डील करें, कितने पैसे लेंगे, ना करें, ना भाई डील वाली बात ना करें मेरे साथ, हाँ ये बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस जिस जगह पर मैंने छापे मारे हैं, प्रोग्राम किए हैं, आज तक वहाँ ना फहाशी हो रही है ना मनशाद हो रही है आज भी। अच्छा, रिश्तेदार क्या कहते हैं कि एक शहाना, एक तर्ज ज़िंदगी, एक बड़ा लाइफ स्टाइल था, अच्छे कपड़े पहन कर जाते थे, और आज आकर यहाँ पर आप कांडी उठा रहे हैं? रिश्तेदार तो असल बात है ये खुशी होते हैं। क्यों होते हैं कि चलो जान छूट के क्या कहते हैं? वो यही कहते हैं कि नहीं ठीक है, अगर ये पैसा कमा रहा, अच्छी ज़िंदगी कोई भी लाइफ स्टाइल गुजार रहा हो, तो ज़ाहरी बात है कि रिश्तेदार जो होते हैं वो खुश नहीं इस बात में होते हैं। बच्चे क्या कहते हैं कि पापा आपने अच्छा किया है बुरा? बच्चे यही कहते हैं हमें पैसा नहीं चाहिए, आप चाहिए हमें पैसा। तो बड़े बड़े नाम आपने देखा, अरशद शरीफ जिस तरह शहीद हुए, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह ताला उसको घर उसका जन्नत में बनाए। अल्लाह की भी तो फैमिली थी, उन्होंने नहीं देखा, बस ऐसे ही है ना, क्या मिला है, कभी हमारी कभी किसी ने प्रमोट नहीं किया सहाफ़ी को, अगर प्रमोट करेंगे तो खुदा की कसम है कभी मनशाद जना ये कुछ भी ना हो। सहाफ़ी का यही मैंने है, मैं को पकड़ लेना सहाफ़ी नहीं है, या तो बच्चे ना हो बंदा तो सहाफ़ी बने, तो अगर बच्चे हो आप तो कहते हैं कि क्राइम की दुनिया में अगर सहाफ़ी बनना है तो फैमिली ना, फैमिली ना हो। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में सहाफत को प्रमोट नहीं होता, नहीं है क्राइम ऐसे होता नहीं है, फैमिली भी हो खुशियां भी हो क्राइम भी करें, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्राइम का मकसद ये है जो जिस बंदे को आप फांसी पर ले जाएंगे, जेल करवाएंगे, क्या वो आपको घी के नाल के पिलाएगा? वो तो आपकी फैमिली को पूरा टॉर्चर करेगा, आपको भी करेगा। आपका इंट्रो हमने तो काफ़ी सुना है, ऑडियंस भी एक लाइव आपका इंट्रो सुन ले, जब आप सहाफत पे जाते थे इंट्रो देते। हाँ बिल्कुल हो जाए जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान शेशकील आपकी खिदमत में हाज़िर है, आप देख रहे हैं नाज़रीन, देखिए का नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि वो मैंने छोड़ा तो वो भी बहुत कहते हैं कि यार ये आपने अच्छा नहीं किया। नाज़रीन आपने देखा कि इंट्रो से ही इनके जज होता है कि ये क्राइम की दुनिया में किस तरह रेट डालते थे, और इनके जज्बों को और इनकी आवाज़ को भी देख सकें। अच्छा, सहाफ़ी पाकिस्तान में बड़े बड़े लड़के, बड़े बड़े लड़कियां, नौजवान माइक पकड़ कर सहाफत ज्वाइन कर रहे हैं, आ रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? उसको मैं यही मैसेज दूँगा कि अगर कोई शौक़ रखता है ना क्राइम का, तो वो अपना जो कनेक्शन है ना खुशियों के साथ वो काट दे। अच्छा, वो फिर बहुत ज़्यादा लोग हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि मैं एक क्राइम करूं, बहुत है कि मैं एक क्राइम करूं। अगर क्राइम करना है तो फिर आपका तल्लक खुशियों के साथ नहीं होना चाहिए, और आपके बेडरूम के साथ नहीं होना चाहिए। देखिए क्राइम होता है रात को, रात को कर लें या दिन को, किसी टाइम भी फ़ोन आ सकता है भाई इस जगह पर ये हो रहा है, तो आप सोचें भाई नहीं मैं सुकून भी करूँ खुशियाँ भी देखूँ, तो फिर क्राइम नहीं होता। अच्छा, क्राइम की दुनिया में तो आपको बड़ा कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, जिसके अंदर गेटअप भी आता है, अगले बंदे को किस तरह आप जज कर लेते कि ये क्राइम कर रहा है या इस तरह का सीन, तो क्या गेटअप भी चेंज करते थे, क्या मामला? बिल्कुल ऐसे ही है कि मैं जब भी कोई प्रोग्राम करता था ना, पहले मैं अकेला जाता था, तो बिल्कुल ऐसे मेरा गेटअप होता था जैसे कोई मजदूर है, मजदूरी के लिए आया या जैसे भी कुछ चीज़, मतलब जहाँ पर रेट डालनी थी उस हवाले से और उस तर्ज से आप गेटअप चेंज कर लेता था। तो ये कोई महसूस ही नहीं करता था, कोई जजमेंट नहीं करता था कि ये कोई सहाफ़ी है या कोई एंकर है, क्या छापा मारने आया क्या, ऐसा कोई मसला नहीं होता था। उसे तो तब पता चलता था जैसे मैंने माइक निकाला, माइक छुपाया होता था ऐसे कपड़ों के अंदर छुपा लेना, पीछे से मेरी टीम आ जानी, कैमरामैन आ जाने, फिर उसे पता चलता यार ये सहाफ़ी है। तो असल क्राइम के अंदर ऐसा आपका गेटअप होना चाहिए कि कोई आपको महसूस ना कर सके, जजमेंट ना कर सके।